दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शतक ठोककर तिलक वर्मा ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया और अफ्रीकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआत खराब मिलने के बाद भी तिलक वर्मा ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के भी लगाए। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले तो उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद केशव महाराज और ठाकुर जी के ओवर में ऐसा तूफान मचाया कि देखकर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मच गया और देखते ही देखते तिलक वर्मा ने 6 से अधिक गगनचुम्बी छक्के और चौके की मदद से तूफानी शतक ठोककर अफ्रीका में अपना डंका बजा दिया और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। वैसे दोस्तों, आपकी राय में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में से कौन सबसे अच्छा कप्तान है और हमें कमेंट में जरूर बताएं।